व्यासपीठ का भोजन संपन्न हुआ। आइए हम सभी भगवत स्वरूप श्री बांके भैर जी की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आरती के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जो भी माता है अपने स्थान पर बैठे हुए सभी सर्वेदन है। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े होकर भगवत भगवान की आरती में सम्मिलित हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीताम्बरा गरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णाम्बरम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाएं, गिरिधर तेरी आरती
Thank you.
जन्म जन्म मोह दीजिया श्री वृंदावन भक्ति भक्त भगवान प्रभु चरणाम पुहे इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न ऋषि बांके बिहारी हम सब कथा में प्रवेश कर रहे हैं उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए हम सब मिलकर भगवान नाम का श्रवण जिससे हमारा ये चित्त शुद्ध हो और वाणी पवित्र हो Thank you.
उपस्थित सभी भक्त वृंद एवं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट सभी महानुभाव और इस भागवत अनुष्ठान के आयोजक निवेदक परम भगवत भक्त श्री श्याम सुंदर कलवलिया जी एवं पवित्र देवघर की मधुपुर भूमि मेरा बड़ा सौभाग्य है इस झारखंड देवघर डिस्ट्रिक्ट में इस मधुपुर में भागवत कहने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही, लेकिन कल पहली बार भगवान वैद्यनाथ भगवान का दर्शन भी हुआ। हृदय बहुत गदगद है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मनोज जी ने सुषमा जी ने बहुत सुंदर वहाँ प्रबंध किया, बहुत आनंद पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक दर्शन पूजन बाबा का हुआ। लेकिन मुझे मुरलीधर ने कहा था कि गुरुदेव आप जब मधुपुर भागवत कहने जा ही रहे हैं तो वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर ही तो है बाबा, तो दर्शन तो करने आपको जाना ही चाहिए। मैंने कहा मेरा संकल्प हो गया है कि मैं दर्शन करने जाऊंगा ही। बंधु एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं हृदय से ये बात अपने आप से, क्योंकि अब हमारा भारतीय संस्कृति भारतीय शास्त्र हमारा अब नया संवत प्रारंभ होने जा रहा है 2 अप्रैल को, पहला नवरात्र है। मैं आपसे कोई मिथ्या ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने कल बाबा के चरणों में राष्ट्र के मंगल की कामना तो की ही थी, लेकिन मैंने मधुपुर के भक्तों के भी मंगल की कामना आप सबके ओर से की कि जो जो भक्त इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के अपना अमूल्य समय देकर के श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, हे वैद्यनाथ भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। और मैं आपसे शेयर करूंगा एक बात, अभी नहीं आज नहीं, मैंने तो आज इस भूमि में आकर के बाबा के चरणों में आकर के मैंने प्रत्यक्ष उनकी कृपा का दर्शन किया है, बताऊंगा आपको जरूर, जब जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा, मुझे याद करा देना, पर आज नहीं बताऊंगा और बताऊंगा जरूर। तो बहुत आनंद बहुत प्रसन्नता बहुत हृदय गदगद हो रहा है, क्या कहूँ, कहीं मेरी बात अतिशयोक्ति ना हो, क्योंकि जब आनंद अंदर से उमड़ता है तो कभी कभी शायद सुनने वाले को अतिशयोक्ति लगती भी, ऐसी क्या बात हो गई, लेकिन कुछ है तो सही, तब तो कहना पड़ता है, अंदर हृदय के उद्गार प्रकट होते हैं।
तो बहुत आनंद है। कल आप कथा में सुन रहे थे कि 5 वर्ष के उस अबोध बालक को भगवत दर्शन हुआ। भगवत प्राप्ति में आयु का कोई बंधन नहीं होगा, इसलिए मैं कहा करता हूं कि स्वयं भी और बच्चों को भी अध्यात्म से जोड़े। पांच वर्ष के बालक को भगवान का साक्षात्कार हुआ। यमुना जी के तट पर जब नारद जी के द्वारा गुरुदेव की कृपा से जब द्वादशाक्षर मंत्र प्राप्त हुआ, उस मंत्र को ग्रहण करके श्री ध्रुव जी महाराज जब वृंदावन में पधारे थे और जाकर के 5 महीने तक उन्होंने एक निष्ठ भाव से तप किया। उस तप का ऐसा प्रभाव हुआ कि 6वें महीने में जब प्राणवायु को रोककर ध्रुव जी महाराज एक पैर के ऊपर जब खड़े हो गए, अखंड ब्रह्म चिंतन जब करने लगे, परमात्म चिंतन जब करने लगे, तो भागवत में सुखदेव जी बोल रहे हैं कि मां वृषभाल तपसो दुरत्यामृति से प्राण एक बालक के उस भजन का प्रभाव कितना बल। संसार से प्राणवायु का चलना बंद हो गया था, सोचो देवता छटपटाने लगे, भगवान के पास गए और जाकर के देवताओं ने भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा आज कौन भक्त आपकी तपस्या कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि मां भेष्ट बालम, मेरे परम भागवत है ध्रुव, मां भेष्ट तुम डरो मत, घबराओ। वो भक्त बालक तप कर रहा है और अभी जाकर के मैं उसे दर्शन देकर के कृतार्थ करता हूं, क्योंकि उत्तान काल की वो आत्मा है। इतना कहकर के भगवान देवताओं को आश्वस्त करके जब उस यमुना जी के तट पर अपने भक्त को दर्शन देने के लिए जब भगवान पधारे, तो भागवत में लिखा है कि आए तो दर्शन देने के लिए थे, पर हो गया उल्टा। आए थे दर्शन देने के लिए, लेकिन अपने भक्त का एक टक मेरे बांके बिहारी दर्शन करने लगे। कितना सुंदर लग रहा है। तुम ऐसा प्रभु का ध्यान, ऐसा प्रभु में डूबो कि भगवान को भी तुम्हें देखने की इच्छा हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ऐसा ध्यान वो तुम्हें भी देख,
जिस छवि का अपने अंतःकरण में ध्रुव जी महाराज ध्यान चिंतन कर रहे थे, उस छवि को भगवान ने अपने ओर खींचा, क्योंकि आए तो दर्शन देने के लिए थे। जब उस छवि को अपनी ओर खींचा तो ध्रुव जी महाराज झटपटाने लगे, है मेरे अंदर से प्रभु कहां गए, कहां गए। तो छटपटाकर कि ध्रुव जी महाराज ने जब अपने नेत्र खोले तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जिस छवि का ध्यान अपने अंतःकरण में दर्शन साक्षात कर रहे थे, वही छवि का साक्षात सम्मुख दर्शन होने लगा, क्योंकि वो अंदर भी है बाहर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो हमें जन विनमय दंडवत। विनम्रता पूर्वक भगवान का दर्शन करके साष्टांग प्रणाम ध्रुव ने भगवान को किया, खड़े हुए, आंखों में ध्रुव जी महाराज की आंसू है, रोए। ये प्रेम के आंसू है, प्रेमाश्रु है, प्रेम में भी आंसू गिरते हैं। और मैं कहा करता हूं कि दुख के और प्रेम के आंसू में अंतर होता है। प्रेम से कहीं श्री राम हो, आंखों से दोनों आंसू गिरते हैं, लेकिन प्रेम का आंसू और दुख कष्ट का आंसू पता चल जाता है। देखिए खुशी जब होती है ना आदमी के अंदर, जब प्रेम झलकता है तो टप 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 सीधे आंसू गिरने लगते हैं, और जब व्यक्ति को कोई अंदर वेदना होती है, कोई कष्ट होता है, तो आंखों के कारण से आंसू धीरे धीरे बहते हैं। ये दुख के आंसू, लेकिन आज ध्रुव जी की आंखों से जो अश्रु बिंदु टपक रहे थे वो प्रसन्नता के, खुशी के थे, भगवत दर्शन का, प्रेम का एक कि मुझे आज साक्षात प्रभु का दर्शन हुआ, खुशी के आंसू। योम का प्रविश्य मवाच विमान प्रशुक्ता संजीवयद्यखिल शक्तिधर स्वधाम अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वकादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषार्थभ्यं योम का प्रविश्य। ध्रुव जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके, क्योंकि भगवान समझ गए ध्रुव जी को देख करके होठों में कंपन था, तो अपने शंख को लेकर के ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श कराया। कपोले वसते वाणी, अपने भक्त के मुख में सरस्वती का प्रवेश कराया। ध्यान रखना बच्चों को, यदि आप उनका उज्ज्वल भविष्य, तेजस्वी और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहे, तो ये कथा संकेत कर रही है। कपोले वसते वाणी, अच्छी पढ़ाई, योग्यता, उच्च पद बच्चों को यदि प्राप्त कराना हो तो सरस्वती जी का उपासना जरूर करें, जो ज्ञानदात्री है माँ सरस्वती। सरस्वती महामाया दिव्य तेज स्वरूपिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दानं करोतु मे।
जब बच्चे जाएं स्कूल तो उनको जरूर कहो कि माँ सरस्वती का चित्र हो उसको प्रणाम। ठाकुर जी को तो प्रणाम करो ही, लेकिन माँ सरस्वती को प्रणाम करो, क्योंकि ज्ञानदात्री है। भगवान ने गुरु जी के अंदर सरस्वती का प्रवेश करा दिया। आप सोचो 5 वर्ष का बच्चा कोई संस्कृत बोल सकता है, भारत प्रवाह भगवान की स्तुति गा सकता है स्वयं बना करके। हाँ कोई आप कंठ करा दे तो अलग बात है, लेकिन स्वयं स्तुति बना करके प्रभु का दर्शन करके बोल रहा है। क्योंकि मूकं करोति वाचालं तं हुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। मूकं करोति वाचालं, यदि मेरा बांके बिहारी चाहे, मेरे प्रभु चाहे, तो मूक व्यक्ति को भी वाचा बना सकते हैं। यदि कोई विकलांग कोई दिव्यांग व्यक्ति है, यदि वो चाहे तो उसे पहाड़ भी लंघवा सकता है। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा, लेकिन उनकी कृपा का होना जरूरी है। यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम, गुरु जी के ऊपर माधव की कृपा हो गई और गुरु जी भगवान की स्तुति में क्या प्रभु को कह रहे हैं सुनिए। योन्तः प्रविश्य मम राजमिमां प्रसुप्तां, कहते हैं कि प्रभु आपने आज मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। जब तक आप संसार की कितना भी चर्चा करते रहिए, क्योंकि आज लोगों को बोलने की बहुत आदत है, तेरी मेरी कुछ नहीं। किसी ने कहा कि 3 माताएं बैठी थी लेकिन चुप बैठी थी, प्रेम से कहो श्री राम। ऐसा हो सकता है? जो संसार का महान आश्चर्य है, पता नहीं आप लोग 4 घंटे कैसी कथा में चुप बैठती हो। जितना भी संसार की आप चर्चा करिए बंद हो, लेकिन भागवत में ध्रुव जी इस बात को कह रहे हैं उस बेकार है, कोई मतलब की ठीक है, संसार के कार्य की है ठीक है, लेकिन योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, अरे आप संसार की चर्चा खूब करिए, व्यवहार को निभाना ही पड़ता है, कुछ वार्तालाप करना ही पड़ता है, व्यापार में भी परिवार में भी। लेकिन द्रुपदी महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि भैया केवल संसार और व्यवहार की बातों में ही फंसे मत रहना, वो फंसाती है संसार में, और फिर फंसा करके हमें रुलाती भी, तो फिर क्या करें। तो द्रुपदी महाराज भागवत में कह रहे हैं कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, कि केवल संसारी चर्चा मत में मत लगे रहना, यदि इस वाणी से संसार की चर्चा करते करते थोड़ा समय निकाल लेना, इस वाणी से भगवत चर्चा भी जरूर करना, तो आपकी वाणी भी सार्थक हो जाएगी। प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, भगवान ने ध्रुव जी को कहा कि बेटा तू मेरे से वर मांग ले, तो ध्रुव जी ने भगवान को कहा कि प्रभु मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे एक वर दे दो कि मैं हमेशा कथा मृत पाद मत्ता आपके सत्संग में मैं हमेशा डूबा। भगवान ने कहा कि ये तो मैं देता ही हूँ, और कुछ मांग ले। ध्रुव जी बोले प्रभु जो आपको देना है जैसा समझो आप दे। तो भगवान को एक बात याद आ गई, क्योंकि पूर्व जन्म विष्णु पुराण में एक कथा लिखी है,
ध्रुव जी के पूर्व जन्म की। ये ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म में एक परम तपस्वी थे और बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। तो इनको दर्शन देने के लिए भगवान आए थे। उसी समय वहां पर एक घटना घटित हुई। जंगल में राजा भी अपने सेना अपने परिवार लाभ लश्कर के साथ वहां आया। उसका वैभव देख करके ध्रुव जी पूर्व जन्म में देखे, भगवान ने तो हाथ बढ़ाया उसे अपने आलिंगन करने के लिए, लेकिन उसी समय भगवान तो अपना हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन उस राजा को देखकर के तपस्वी के मन में एक बात आई कि ऐसा वैभव यदि मेरा होता तो मैं भी कितना भाग्यशाली। तो राजा के वैभव को देखकर के भगवान ने पीछे हाथ हटा दिया, मैंने ध्रुव को देखकर के पीछे हाथ हटा दिया कि अभी इसके मन में थोड़ा राज सुख भोगने की इच्छा है। तो आज ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को कहा कि आप जो भी मुझे देना चाहते हैं मुझे आप दे दीजिए, तो भगवान को याद आ गई। भगवान ने कहा कि बेटा मैं तुझे 36,000 वर्ष के राज सुख राज सत्ता प्रदान कर रहा हूं, एक दो वर्ष के लिए नहीं। क्योंकि ध्रुव जी ने जब ये बात सुनी थी तो ध्रुव जी को सुख नहीं मिला था, मन ध्रुव जी का प्रसन्न नहीं हुआ था। ध्रुव जी ने कहा कि ये क्या मैंने मांग लिया, 36,000 वर्ष के लिए मैं भगवान से दूर हो गया, लेकिन संकल्प, क्योंकि भगवान अपने भक्त के संकल्प को भी पूर्ण करते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का संकल्प था, इसलिए 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी को फिर राज सत्ता को भोगना था। ये वरदान देकर के भगवान आशीर्वाद देकर के बोले कि अंत में तू मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी जब घर वापस लौट करके आए तो पिता उत्तानपाद ने ध्रुव जी का सम्मान किया, सत्कार किया और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य सुख भोगा। जिनकी दो पत्नियां थी ब्रह्मी और इला, उत्कल वत्सल आदि ध्रुव जी के पुत्र हुए थे। अंत में ध्रुव जी 36,000 वर्ष राज्य सत्ता को भोगते हुए, क्योंकि एक दिन ये घटना भी घटी थी, ध्रुव जी के छोटे भैया उत्तम जो कि शिकार खेलने के वन में गए, यक्षों ने उनका वध कर दिया और पीछे से जब ध्रुव जी को मालूम हुआ तो ध्रुव जी गए और ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया, 130,000 यक्षों को समाप्त किया। अब तो खलबली मच गई कुबेर के अंदर, ये क्या यक्ष मार डाले। मनुजी के पास गए, मनुजी आए और मनुजी ने आकर के ध्रुव को कहा कि ध्रुव जी के पितामह हैं बाबा। बोले बेटा तुम तो भक्त हो और भक्त को क्रोध करना ठीक नहीं है, तुम क्रोध मत करो। किति दीक्षया करुणया मैत्री चाकृषु, कहते हैं भक्त के हृदय में तो दीक्षा होना चाहिए, भक्त के हृदय में करुणा होना चाहिए, भक्त के हृदय में मैत्री होना चाहिए। वैष्णव का स्वरूप है मैत्री का भाव हो, करुणा का भाव हो, ये भक्त का स्वरूप है। कभी कभी लोग मेरे से कहते हैं कि महाराज अब हम तो चाहते हैं कि भाई हम किसी का विरोध न करें, पर करें तो करें क्या, कभी कभी सामने वाला मानता ही नहीं है। अरे तो कम बात करो,
क्योंकि जो जैसा करता है तो फिर उसको परिणाम को उसको उसी अनुसार मिलेगा। कौन उसमें कुछ कर सकता, यही तो ना समझी है व्यक्ति। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि वविरीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणि वाभिपद्यते। उसको उसके कर्मों पर छोड़, लेकिन अपनी वैष्णवता को तो मत त्याग, बस वार्तालाप कर अपना भजन तुम्हारा खराब ना हो, तुम्हारा समय व्यर्थ की बातों में ना जाए, बस कोशिश ये करनी चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज को उनके बाबा ने समझाया, ध्रुव जी को बाबा की आज्ञा मानी, युद्ध बंद किया और बंद करके ध्रुव जी महाराज, कुबेर ने आकर के ध्रुव जी का सम्मान किया है। 36,000 वर्ष तक राज्य सुख भोगते, अंत में ध्रुव जी महाराज अपने पुत्रों के ऊपर राज्यभार सौंप करके जब भजन करने के लिए निकले, जाकर के आसन लगा करके जब बैठे, तो उसी समय भगवान के पार्षद आए। उन्होंने ध्रुव जी को कहा कि महाराज आपने तो बचपन में 5 वर्ष की आयु में इतना भजन कर लिया कि अब आपको भजन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस विमान में बैठे और भगवत धाम को चले। ध्रुव जी महाराज उस भगवत विमान की ओर बढ़े हैं, भागवत कह रहे हैं। भागवत में लिखा है कि भगवत विमान का पूजन किया ध्रुव जी, पूजन की कह, और जब चढ़ने लगे तो ध्रुव जी के सामने मृत्यु आकर के खड़े हुए, क्योंकि मृत्यु को सबको वरण करना पड़ता है, चाहे वो संत हो या असंत हो, सबको मृत्यु होनी। ध्रुव जी महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं? तो मृत्यु ने कहा कि मेरा नाम मृत्युदेव है। तो बोले आपका काम तो शरीर लेना है, आप हमारा शरीर ले लीजिए। तो मृत्यु ने कहा कि महाराज मेरा सब पर जोर चल जाता है, लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि भक्त तो मृत्यु को भी जीत लेता है। ये भजन कर, भजन का प्रभाव है। आज मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा, आप इस विमान में चढ़ रहे हैं तो आपको सीढ़ी तो चाहिए ना, आप जब प्लेन में चढ़ते हैं तो सीढ़ी लगाई देते हैं, तो आप मुझे अपनी सीढ़ी बना लीजिए। देखिए भक्ति का प्रभाव, भगवत भजन का प्रभाव, मृत्यु भक्त के चरणों में झुक गई है और उस मृत्यु के मस्तक पर गुरु जी ने अपना पांव रख दिया। पंच भौतिक शरीर छूट गया, दिव्य देह प्राप्त हो गई और विमान में बैठकर के ध्रुव जी महाराज भगवत धाम को चलने लगे। जब विमान चला तो ध्रुव जी को किसी का स्मरण नहीं, केवल एक को याद कर रहे हैं, तो कौन है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाकपि गरीयसी, भगवान राम की वाणी है कि दो को कभी मत भूलो। जननी माने मां, जिसने जन्म दिया उसका कर्जा कौन उतार सकता? जननी जन्मभूमिश्च, और अपनी जन्मभूमि को भगवान राम की वाणी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वो तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अंत समय ध्रुव जी को किसी की याद नहीं थी, केवल अपनी मां को याद की। भगवान के
पार्षदों से गुरु जी ने कहा कि भैया इस विमान को थोड़ा लेकर के आप मृत्युलोक की ओर चलें, तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि गुरु जी संसार में आपकी ऐसी कौन सी आवश्यक वस्तु रह गई है जो आपको भगवान के वैकुंठ में नहीं मिलेगी। ध्रुव जी ने कहा कि मैं जानता हूँ वैकुंठ में सब सुख है, लेकिन मेरी माँ को मुझे नहीं मिलेगी ना। जिसने इस शरीर को जन्म दिया और इस शरीर के द्वारा ही मैंने आज परमात्मा का दर्शन कर लिया, इतना उच्च पद प्राप्त कर लिया, तो मैं उस माँ को कैसे भूल जाऊं। मैं अपनी माँ को भी अपने साथ लेकर के भगवान के परम धाम में जाऊंगा। इतना जब भगवान के पार्षदों ने सुना तो भगवान के पार्षद रोने लगे। भागवत में लिखा है आंखों में आंसू भर गए, द्रवीभूत हो। और भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज हम जानते हैं कि आपको अपनी माँ से बहुत प्रेम है, संसार में आपके जीवन में यदि कोई बहुमूल्य वस्तु है तो आपकी माँ है, यह हमें मालूम था। तो हमने आपकी उस अमूल्य वस्तु को संसार में नहीं छोड़ा। आगे जो विमान जा रहा है आप देख रहे हैं ना, आपकी माँ भी आज आपके साथ भगवान के परम धाम को जा रही है। त्रिपुरम पवित्रम जननी कृता वसुंधरा भाग्यवती च। ध्रुव के ऊपर कितनी बड़ी कृपा, जितने भी तारागण हैं नक्षत्र हैं ध्रुव जी महाराज की आज भी परिक्रमा करते हैं। केते प्रचे दशो नाम कश्यपत्यान शुभ्रता, ध्रुव जी के वंश में ही प्रचेताओं का जन्म हुआ और ये दस प्रचेता महाराज दक्ष के पुत्र हैं। ध्रुव जी के वंश में ही एक राजा हुए जिनका नाम है अंग, और अंग महाराज के पुत्र हुए थे वेम सुनीता के पेट से, लेकिन वेम के दुष्कर्म थे जिनके कारण महाराज को अपना राज्यपाट छोड़कर के रात्रि को महल से निकलना पड़ा। वेम जब सिंहासन पर बैठे तो नष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम जजाकुचित इति निर्मार्यत धर्मं भेरी घोषेण सर्वसा, अपने राज्य में ये घोषणा कर दी कि न कोई यज्ञ करे न कोई दान करेगा। तो सभी संत ब्राह्मण मिलकर के गए और उन्होंने कहा कि राजा आपने कैसी घोषणा कर दी, क्योंकि जिस राजा के राज्य में यज्ञ नहीं होता, दान नहीं होते, सत्कर्म नहीं होते, सेवा के कार्य नहीं होते, उस राजा का राज्य तो जल्दी समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप इस घोषणा को वापस ले लीजिए। तो देखिए भागवत में वेद का शब्द सुनिए कितना कठोरता से बोल रहा है, वालशा वत यूयम मा अधर्मे धर्म मानिन ये वर्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते, गुस्से से बोल रहा है। वालशा वत यूयम मा अधर्मे धर्म मानिन, जिसको तुम धर्म कह रहे हो वो अधर्म है, मैं तुमको धर्म सिखाता हूं। जान पति उपासते, तुम किसी जान पति की उपासना करते हो, मैं तुम्हारा राजा हूं और मुझे छोड़कर के, क्योंकि राजा के अंदर तो सभी देवताओं का निवास होता है, तो तुम मुझे छोड़कर के अन्य माने भगवान की आराधना करते हो। ध्यान देना, ऐसे नास्तिक लोग समय समय पर पैदा होते हैं जो धर्म का, सनातन धर्म का तिरस्कार करते हैं।
कितनी बार सनातन धर्म को खंडित करने का प्रयास किया गया, लेकिन सनातन धर्म तो अखंड है, जो सनातन है कोई इसको तोड़ नहीं पाया। कितना भी षड्यंत्र क्यों न किया जाए, लेकिन सनातन धर्म अखंड है, अखंड है। ये वेद का जो भागवत में प्रसंग है, संतों और ब्राह्मणों को जब उसने अपमानित किया तो अपने अपने कमंडल से जल लेकर के संतों ने ब्राह्मणों ने कहा कि हन्यता महन्यता मेष पाप प्रकृति धारणा, मार डालो मार डालो, ऐसे राजा की हमें कोई जरूरत नहीं, जो हमें धर्म से सत्कर्म से ईश्वर से दूर करे उसकी कैसे पूजा की जा सकती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति पूजा नहीं है, सनातन धर्म ईश्वर पूजा के लिए आ गया। हम सदगुरु की भी पूजा करते हैं तो वहां सामान्य रूप से नहीं, हम साक्षात उसमें भगवत दर्शन करते हैं, ईश्वर पूजा है, व्यक्ति पूजा नहीं है। जब वेद का प्रणंत हो गया तब सुनीता ने वेद के शरीर को तेल के द्रव में रखा और स्वयं संतों के द्वारा गद्दी पर मां सुनीता को बिठाया गया, लेकिन प्रजा प्रसन्न नहीं हुई क्योंकि स्त्री शासन व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चली। भागवत में लिखा है कि दिन दहाड़े लोग चोरी करने लगे, डकैतियां करने लगी, हत्याएं होने लगी, बहुत अराजकता फैल गई थी वेद के राज्य में। तो सभी ब्राह्मण संत वैष्णव मिलकर के गए और जाकर के सुनीता से उन्होंने कहा कि माँ, आपने वेद के शरीर को सुरक्षित रखा है, तो वेन के शरीर को लेकर के आई और संतों के ब्राह्मणों के सामने डाल दिया। अब भागवत में कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी रहस्य नहीं है। संत वेन के शरीर का मंथन करने ऐसा लगता तो सबसे पहले नीचे के भाग का मंथन हुआ तो कृष्ण वर्ण का बालक निकला, उसे सिंहासन पर नहीं बिठाया। फिर ऊपर के भाग का मंथन हुआ, मंथन माने चुनाव, आज की भाषा में उसको हम चुनाव कहते हैं, क्योंकि संतों को सत्ता सौंप दी थी लेकिन संतों ने कहा कि हम सत्ता के लोभी नहीं, सत्ता का काम आप लोगों का, आप संभाले, ठीक प्रकार से व्यवस्था करें। केवल मार्गदर्शक के रूप में तब संतों ने मंथन करा दिया। जब मंथन हुआ ऊपर के भाग का तो अर्ची और प्रथु जो साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार थे उस मंथन से प्रकट हो गए। बोलो प्रथु भगवान, जब प्रकट हुए पाणि ग्रहण कराया, प्रथु महाराज को गद्दी प्रदान कर दी। जब गद्दी पर बैठे तो प्रथु जी के सामने सबसे पहले अन्न की समस्या उपस्थित हुई थी, तो अपनी प्रजा के सुख का ख्याल करते हुए महाराज ने अपनी प्रजा के लिए पृथ्वी का गोहन किया, अलग अलग पात्र अलग अलग वत्स बना करके, ये कथा भागवत में है। जब प्रजा सब प्रकार से प्रसन्न हो गई तो प्रभु जी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। भागवत जी में लिखा है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ अपने जीवन में कर लेता है उसे इंद्र का पद मिलता है। ये इंद्र का पद कोई परमानेंट नहीं है, आदमी यदि
सत्कर्म शुभ कर्म करे तो इंद्र के पद पद तक पहुंच सकते हैं। देखिए शुभ कर्म और सत्कर्म में अंतर है, प्रेम से कहिए श्री राधे राधे। बड़ा ध्यान देना, हम लोग कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ये सब शुभ कर्म है। इनका फल क्या है? इनका फल है स्वर्ग आदि लोग, बड़े बड़े उच्च पद ये सब मिल जाते हैं। लेकिन यज्ञ से दान से आप ये नहीं कह सकते कि भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। भगवत धाम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तो आपको इन सब के साथ प्रभु का भजन भी करना पड़ेगा, प्रभु का भजन भी करना। प्रभु का नाम जब भजन क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शुभ कर्म हमें उच्च पद तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो सत्कर्म है, आप इस समय शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, कथा बैठकर के जो समय आप सुन रहे हैं, भागवत की कथा शुभ कर्म नहीं है, भागवत की कथा सत्कर्म है। सत्कर्म सूचको ज्ञान श्रीमद्भागवता नाम शतगीतम शुकादी। सत्कर्म का अर्थ है जो हमें संसार में सुख प्रदान करते हुए अंत में सत माने परमात्मा, जो हमें परमात्मा से भी मिला देती है, जो प्रभु से ये वो कर्म है। अब इंद्र ने बार बार यज्ञ में विघ्न डाल दिया, तो इंद्र को मारने को प्रभु जी महाराज उद्यत हो गए। देख लेकिन गुरु बृहस्पति जी महाराज पर आपको कैसा भी आपका प्रश्न मन में चक्कर मिलकर के ही रहेगा, वो मेरा सत्संग से ही सभी
विश्वास दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं डाल दिया मेरे घर के आपकी ताली भी एक और संकेत करते बताऊं मैं आपसे जब कहता हूं कि आप ताल का प्रयोग करें क्यों कहता हूं जरा बजाओ फिर बताओ ताली बजाएंगे तो सब ठीक उड़ जाएगा हमारे अंदर जो संस्कार है जब हम भगवत करना पसंद करते हैं जब से तेरी नजर लगी मेरे मन यही तो सत्संग की महिमा अब जागो की किस्मत ये 36 श्लोक जो भागवत में जिसको रुद्र गीता कहते हैं शिव प्रदत्त और इस रुद्र गीता का प्रवचन भगवान शिव ने किया था प्रचेताओं को प्रचेताओं ने अंत जल में इसका पाठ किया था जिससे इनको प्राचीन बरही राजा के मन में यज्ञ के प्रति बड़ी आस्था थी लेकिन पशु बलि यज्ञ करते थे तो नारद जी ने आकर के राजा को समझाया इनकी जो सबसे उनका इन्हीं के कारण हमारे इस वर्ष का नाम भी पड़ा है याद रखना है ये तीन भरत है और उसने अपने सारे ब्रह्म जी की सेवा करते थे लेकिन एक जन अपने सारे ब्रह्म जी की सेवा से समझ लें बड़ी गंभीर बात है कि हमारी पूजा में
घर में यदि सालिग्राम भी हैं तो हमें कभी पूजा में दो सालिग्राम भी नहीं रखनी चाहिए। तो तीन देवी की मूर्ति पूजा में घर तीन बड़े चिंता नहीं होना चाहिए मूर्ति। दो शिवलिंग नहीं होना चाहिए, दो शंख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा गलती हमसे यदि हो रही होगी तो बार बार ग्रह स्वामी के ऊपर कष्ट भी आना थोड़ा हमें अपने। और एक बात तो बात बड़ी छोटी है लेकिन बड़ी बहुत गहरी है। एक है वैदिकी आरती का मंत्र है, ये वैदिक का एक नियम होता है। भगवान के श्री विग्रह की यदि आप आरती उतार रहे हैं तो सात बार भगवान जब आरती को घुमाया जाता है ओम का आकार देके तो उस समय आकाश तत्व की शुद्धि होती है और अग्नि तत्व उस आरती में मौजूद होता है। तो ये पंच तत्व जो है शुद्धिकरण आरती के माध्यम से किया जाता है। तो जब आरती करें तो बहुत ध्यान पूर्वक। दूसरी जो पूजा है वो भाव की होती है। अब कभी कभी से भक्त का लेकिन फिर नियम ध्वस्त भी हो जाता है। जब भाव में सब नियम ध्वस्त हो जाते हैं तो वर्धी महाराज भगवान की प्रेम सेवा करते थे। एक मनेर मनुषाराम कारण मंत्र वो अनुभव जी को छोड़ करके चला गया। यह वर्धी का भी देह का प्रत्याग हुआ तो उस हिरण की याद करते करते भरत ने जब अपने शरीर वर्धी का अपमान भी परिवार ने किया। वर्धी कर हमारा मन तेरी चौखट से दिल ये मेरा खो गया।
तो 80 साल की अवस्था में अजामिल ने अपने घर को त्याग दिया और कहाँ गए? हरिद्वार में। कहाँ पर? सप्त सरोवर, या सात धाराएं बहती हैं, सप्त सरोवर, सप्त ऋषियों की तपस्थली है वो। सप्त सरोवर पर गए और वहाँ जाकर के 8 वर्षों तक भगवान का भजन किया और भजन करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। फिर हरिवर्ष और सर्वाश्र का वृत्तांत श्रीमद् भागवत में बताया है। और देवता और देवियों की उत्पत्ति का वर्णन किया है। 14 श्लोकों में वृत्तासुर की स्तुति है। नापकृष्टम न च पारमिष्टम न सार्वभौमं न रसार्थकम् न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहीयताम्। कि अजात पक्षा प्रियं प्रियेव विशुतं विशन्यां मनोरविन्दां दक्षिणं। देखिए, आपको भागवत के श्लोक यदि समझ में भी ना आए तो कान से सुने। भागवत का एक मंत्र है, ऐसा वाइब्रेशन होता है मंत्रों का, भागवत के मंत्रों का। भागवत में लिखा है कि जब कानों में भागवत की कथा, भागवत के मंत्र जब जाते हैं तो जैसे आपने देखा कोई शेर जब दहाड़ मारता जंगल में तो जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सब बन छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे ही जहाँ भागवत के श्लोकों की, भागवत की कथा की ध्वनि होती है और कानों के द्वारा जब भागवत की कथा हमारे हृदय तक पहुंचती है तो हृदय में जो कलुषित भावना है, जो 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 जीव जंतु पाप रूपी बैठे हैं, वो सभी हमारे अंदर से निकल कर के भागने लगते हैं। रेरे गर्द की गर्द की जो भक्ति के परम आचार्य हैं, बोले आपके गुरुदेव आपको कब मिले? तो प्रहलाद जी ने बात भागवत में बताई है कि जब मेरी माँ गर्भवती थी और मेरे पिता मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गए हुए थे तो पीछे से इंद्र मेरी माँ की हत्या करने के लिए ले जा रहा था। तो नारद जी ने इंद्र को डांटा और इंद्र से मेरी माँ को छुड़ा लिया कि तू ये क्या कर रहा है, एक तो गर्भवती है, दूसरे अबला है, तीसरे इसके गर्भ में भगवान का भक्त बैठा है और तू मारने जा रहा है। तो इंद्र को भगा दिया नारद जी ने और मेरी माँ को अपने आश्रम पर रखा। मेरी माँ को नारद जी भगवान की कथा सुनाते थे। समय के प्रभाव से भैया मेरी माँ तो उन बातों को थोड़ा भूल गई, पर मैंने माँ के पेट में बैठ करके जो अपने गुरुदेव से जो मैंने प्रभु की महिमा को जाना। कभी कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु, आज तो मेडिकल साइंस ने सब कुछ सिद्ध कर दिया है, जैसा माँ पढ़ती है, सोचती है, खाती है, तब बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद जी ने भागवत में पहले ये बात कही कि मैंने तो गर्भ में बैठकर के ही भगवान की महिमा को जान लिया, तो गर्भ में ही माँ की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वो अच्छे संस्थान प्राप्त हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने भगवान के नाम की महिमा को जान लिया है कि भगवान के नाम में कितना शक्ति है। एक बार जो उनसे लगन लगा लेता है तो बस फिर उनका ही हो जाता है, उनकी कृपा का वो हमेशा दर्शन करता है।
बस थोड़ा लगन से लगाओ तो सही भैया। हम तो यही प्रयास में रहते हैं कि भक्तों की लगन लग जाए प्रभु से। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाए। साक्षी फिटनेस भागवत जी हैं।
बदनामी का बजाना पहला भी नहीं सिखाया और आज को एक और बात है, इस साल का कमाल होने जा रहा है, मधुपुरम में आज एक कमाल होने जा रहा है, क्योंकि ताल बजाने से भगवान के संकेत ताल से चावल से भरती है। नृत्य नहीं कर रहा हूं, नृत्य कर रहा है तो मेरा मन भी व्यास गद्दी पर नाच। आपकी रेडी फॉर सिलेक्शन है। चलिया पे मेरा दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने, और कौन समझ सकता है। मोहन से प्रिया था और उस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की थी। ओम नमो भगवते तस्मै यतेतच्चिदात्मकं पुरुषाया दिवीजाय परेशाया विधीमहि। 1000 वर्ष से भगवान शुभदेव जी कहते हैं कि युद्ध कर रहा था सरोवर में, लेकिन जब कोई सहायक नहीं हुआ तो अंत में भगवान को उसने पुकारा। भगवान हरि आए और सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्रहा और मस्तक धड़ से अलग कर दिया और दोनों को अपने परम धाम की प्राप्ति कराई। भैया ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, गजेंद्र कौन है? हम सब जीव गजेंद्र हैं। ये सरोवर, ये तालाब संसार है। इस संसार रूपी सरोवर में, इस संसार रूपी तालाब में ये जीव रूपी गजेंद्र पड़ा है। और मगर कौन है? ये है काल। चरणे उषाग्रही मेरे काल, मेरे काल, मेरे काल।
सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं वामन देव जी का स्वागत भी कर रहा हूं और इस बालक को आशीर्वाद भी दे रहा हूं। आप ताली बजा कर के सूत्रम श्री बृहस्पति जी ने धारण कराया। बृहस्पति ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददा, मेखला कश्यप जी महाराज ने भगवान को धारण कराई थी। सभी देवताओं ने आकर के अपनी अपनी ओर से भगवान का सम्मान किया है और अपने सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव की आज्ञा से भिक्षा लेकर के जब आए थे पार्वती से अपने कमंडलों में जो ब्रह्मा जी ने दिया था। ब्रह्म ऋषि राम तपस साक्षात मन्ने द्वार बकुल धर्म, राजा ने बड़ा स्वागत किया और कहा कि हे तो कहा कि राजा ये कौन है? बोले ब्राह्मण का बेटा है। बोले राजा ये काऊ के बेटा नहीं है, तू सबके बाप है। साक्षात भगवान विष्णु तेरे दरवाजे पर साक्षात ये नारायण ही आए हैं बामन बनकर। एक पैर में ऊपर के लोक नाप लेंगे, दूसरे पग में नीचे के लोक नाप लेंगे, जब तीसरे पग पृथ्वी नहीं बचेगी तुझे नरक में डाल देंगे, तू मना कर दो। बोले गुरुदेव आप कहते हैं कि भगवान है तब तो हम जरूर दान करेंगे। शुक्राचार्य जी तो समझा रहे थे, राजा ने नहीं माना। लेकिन क्योंकि प्रभु यहां लीला कर रहे हैं, बड़ी अद्भुत लीला। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन अनेक प्रकार से समझाया, त्रिशु नरम विवाहे चब प्रत्यर्थे प्राण संकटे कह करके, लेकिन राजा ने जब नहीं माना तो सत्यम भगवता प्रोक्तम ये कह दिया, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं लेकिन मैं अपने वचन से कैसे मुकर जाऊं, श्रापित हो गए श्रापित ही। उसी समय विंध्यावली जी को बुलाया, पत्नी है बलि की। जब विंध्यावली जी जल का पात्र लेकर के आई हैं और कमंडलों से जल जब लिया है तो राजा को कहा भगवान ने कि मैं संकल्प बोल रहा हूँ, तुम अपनी इच्छा रखो। तो कहा तुम्हारा मेरा मेरे अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं है। बोले कुछ तो संकल्प में बोलो। तो कहा कि यदि कुछ बोलना जरूरी है तो आप ये बोलवाएं कि मेरे इस भूमि दान से मेरा नारायण प्रसन्न हो जाए। नारायण समर्पये तत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुसतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। भगवान ने देखा कि मुझे ही दान कर रहा है और मेरी ही खुशी के लिए, इसकी अपनी कोई खुशी नहीं है तो खुशी में कौन बड़ा नहीं होता। तो उसी समय भगवान भी राजा की वाणी को सुन करके, अब तक वामन थे और वामन से प्रभु विराट बन गए हैं। पूरा विराट भगवान
ब्रह्म लोक में जब गया ब्रह्मा जी गिरजा नदी का जल लेकर के दौड़े कमंडलों में भरकर भगवान के पाद प्रक्षालन किए, वही पतित पावनी गंगा के रूप में उसका प्रभाव हुआ। दूसरे पद में नीचे के लोक नापली अकल विकल सुकल आदि, अब तीसरे पद पृथ्वी कहाँ से लाए, बांध लिया पाश में नरक में डाल दूंगा जल्दी को। तो कहा कि भगवान आप ये बार बार नरक में डालने की बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपको तीसरे पद पृथ्वी का दान अवश्य करूंगा, मैं अपने वचन से कभी मुकर नहीं सकता। देखिए प्रभु, मैंने आपके विराट रूप में सारे ब्रह्मांड त्रिलोकी का दर्शन किया, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने राज्य को, अपने कोष को, अपनी सेना को, सबको आपके अंदर देखा, लेकिन प्रभु मैंने अपने आप को कहीं नहीं देखा। जब सब कुछ आपने मेरा ले लिया तो मुझे क्यों छोड़ दिया। परम प्रतियम पुरुषिष्टमेजम, अभी छोटे से चरण आप उठाए और मेरे मस्तक पर धारण करें और अपने भक्त के तीसरे वचन को सत्य करके आज दिखा दीजिए। कहीं आपके भक्त की वाणी झूठी ना हो। राजा बलि भगवान के चरणों में झुक गए और राजा बलि के मस्तक पर प्रभु ने अपना चरण और राजा के वचन को प्रभु ने सत्य कर दिया है। भगवान ने कहा कि तुम सुकल लोक में अब जाओ। दोनों ने प्रार्थना की, लेकिन जब थोड़ी दूर गए तो कहा कि प्रभु आपके सामने से हटने की इच्छा नहीं कर रही है। ये बताएं हे वामन देव, अब आपका दर्शन कब होगा। तो भगवान ने कहा कि राजा बलि, तूने मुझे अपना तन मन सब कुछ दे दिया, तो क्या मैं तुझे अपना ये वामन रूप नहीं दे सकता हूँ। जहाँ तुम सुकल लोक में रहोगे तो तुम्हारे राजमहलों के द्वार पर इस वामन रूप को धारण करके हाथ में गदा लेकर के हमेशा हमेशा के लिए तेरा चौकीदार बनकर के तेरे दरवाजे पर ही खड़ा रहूंगा। आज भी प्रभु भक्त की रक्षा खड़े हैं। अहम भक्त पराधीन, इस प्रकार से फिर सुखदेव जी महाराज एक बार ताली बजा करके वामन देव जी का स्वागत करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि फिर राजा सत्यव्रत को प्रभु ने तीर्थमाला नदी के तट पर दर्शन देकर के कृतार्थ किया है। मत्स्य अवतार प्रभु का हुआ है और निष्कंद में दो वंशों की कथाएं वर्णन की गई हैं, पहले सूर्यवंश और फिर चंद्रवंश। और जिस सूर्यवंश में मन्वंतराणि सर्वाणि द्वयोक्तानि श्लोकानि में, समय का थोड़ा भाव संक्षिप्त में ही कहते हुए समास पद्धति में, क्योंकि मनु जी के ये 10 पुत्र जो हुए हैं, इक्ष्वाकु, नृ, सरयाति, विष्णु, शंख, नवग और कवि, इनका वृत्तांत है। सबसे पहले सरयाति महाराज का है, फिर प्रसद्र महाराज का है, ये सब इनके चरित्र श्रीमद् भागवत में है। लेकिन सूर्यवंश में भगवान का परम महाराज दशरथ के घर प्रभु का अवतार हुआ राम रूप से। गोस्वामी जी ने भगवान राम के चरणों में यहाँ रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रणाम किया है, आप लोग भी भगवान राम के चरणों में भी प्रणाम करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
जगन्नाथं देवदेवं दृशा कवि। ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी को हृदय में आकाशवाणी भगवान की सुनाई पड़ी। भगवान की आज्ञा ब्रह्मा जी सभी को सुनाने लगे। कहा ब्रह्मा जी ने कि शीघ्र ही यदुकुल में अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को लेकर के भगवान अवतार लेने जा रहे हैं। देवताओं तुम अपने अपने अंश से यदुवंश में जाकर के जन्म धारण करो। देवता प्रसन्न हो गए, पृथ्वी गदगद हो गई। देखो उस समय मथुरापुरी के राजा थे महाराज उग्रसेन और इनके छोटे भैया थे देवक। इनके सात पुत्रियां थी जिनमें से छह बेटियों का विवाह कर चुके थे वसुदेव जी के साथ। जब सातवीं बेटी देवकी के विवाह की चर्चा प्रारंभ हुई तो एक ही योग्य वर इनको दिखाई पड़ा, वसुदेव। तो देवकी का संबंध वसुदेव जी के साथ तय किया। मंगल में मुहूर्त में दोनों का पाणि ग्रहण हुआ। मथुरा में बहुत सा सामान दहेज में प्रदान किया राजा के। लेकिन जब देवकी और वसुदेव का विदा का समय हुआ, देवकी जी का रथ में बैठी है वसुदेव और देवकी, तो कंस की भी पांच बहन थी, कंसा, कंका, कंसवती, शूरभु, राष्ट्रपालिका। पर कंस को अपनी बहन से इतना स्नेह नहीं जितना कि अपने चाचा की बेटी से स्नेह करते थे। तो कंस ने सारथी को उतार दिया और स्वयं घोड़ा की रास पकड़ कर के कंस रथ पर बैठ गए। कहा मैं इसके घर तक छोड़ करके आऊंगा। जो निकला उसी समय राजपत्र आकाशवाणी हो गई, यस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे। अरे कंस, जिस बहन को इतना लाड से प्यार से तू विदा कर रहा है, इसका आठवां पुत्र गर्भ तेरा काल होगा। एकदम कंस नीचे उतर पड़े, देवकी के केश खोल दिए, तलवार खिंच गई। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि मृत्यु जन्म बताम वीरा देहे न सह जायते अद्यवाद्यशतां देवा मृत्यु वै प्राणनाम ध्रुव। कंस, मैंने भी आकाशवाणी की आवाज को सुना है, पर तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर नहीं है ना? तो आज मैं तुम्हें ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जितने भी तुम्हारी बहन के पुत्र होंगे सब लाकर के आपको दे दूंगा। पर वसुदेव जी ने ऐसा नहीं कहा कि आठवां ही बेटा दूंगा, क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। देवकी और वसुदेव दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। ये देवकी कौन है? निष्काम बुद्धि है। और वसुदेव कौन है? विशुद्ध हृदय। जब विशुद्ध हृदय और निष्काम बुद्धि दोनों का जब मिलन हो जाता है, वही तो परमात्मा का प्राकट्य होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से दोनों जब अपने बहनों में पधारे, समय व्यतीत हुआ। पहला पुत्र का जन्म हुआ, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाया जिसने, कीर्तिमान की लेकर के अपने प्रथम पुत्र को जब गए
तो कंस ने उसको लौटा दिया। मुझे तो आठवें पुत्र से डर है। लेकिन नारद जी को खबर लग गई, आकर के नारद जी ने थोड़ा उल्टी पट्टी पढ़ा दी, क्योंकि नारद जी का काम तो यही था कैसे भी जीव परमात्मा की शरण में जाए। नारद किसको कहते हैं? प्रेम से कहो श्री राधे। नारद शब्द का अर्थ है नारं ज्ञानं ददाति नारद, जो अज्ञान को दूर करके हमें ज्ञान प्रदान करे, अज्ञान का जो खंड खंड कर दे। तो नारद जी ने जब बताया तो उसी समय नारद जी को बता करके चले गए थे, पर अब तक देवकी को 6 पुत्र हुए, एक एक करके कंस ने मंगाए और 6 पुत्रों का वध कर दिया। कि सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतं प्रजक्षते गर्वो बभूव देवक्या सातवां गर्भ जब धारण किया वो कौन है? साक्षात दाऊ जी है, बलदेव जी, बलराम जी है, शेषावतार। लेकिन योग माया के द्वारा भगवान ने सातवें गर्भ को आकर्षण करके रोहिणी जी के घर में डलवा दिया। मथुरापुरी में तो हल्ला हो गया कि देवकी का सातवां गर्भ नष्ट हो गया, क्योंकि रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी है, ये भी गर्भवती थी। इनको नंद बाबा के पास गोकुल में भेज दिया कंस के भय से। अब तो कंस ने विचार किया कि मेरा काल जन्म लेगा, देवकी वसुदेव दोनों को कारागार में बंद कर दिया, हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी। कंस डेली अपनी बहन का मुख देखने के लिए आता था, कैसा लगता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब वसुदेव जी के द्वारा देवकी जी ने गर्भ धारण किया और भगवान देवकी के गर्भ में आकर के जब विराजे हैं तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्ययो निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वा शरणं तन्मा। ब्रह्मादि देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए पधारते हैं। जब देवता भगवान की गर्भ स्तुति के उपरांत अपने अपने लोकों में गए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अतः सर्वगुणों के का काल परम शोभना। सुंदर धीरे धीरे भादों का महीना आया और भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पवित्र बुधवार रात्रि का समय है। धीरे धीरे आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं काजी भी सुंदर उठा कर नदियों में जल का तेज प्रवाह सरोवर में समर की धूल खिल गए जिन पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। मंदन मंदन जलधारा आकाश से बादल गड़गड़ा करने लगे थे। ऐसा लगता है कि भगवान की जैसे पार हो रही हो। वह कृष्ण चंद्र भगवान पूरे तो ऐसी लग रही है मानो देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जाए माने अर्धरात्रि का कुछ समय वाह निशी
ऐसे पवित्र समय में शुभदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वसुदेव देव जी दोनों भगवान का ध्यान कर रहे थे। ऐसे मंदिर में पहुंचने देवकी के गर्भ से कंस के कारावास ने मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप से अवतार धारण किया है। वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, देखो तो सही, क्योंकि जब जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाता है तो वहां माया का बंधन कट जाता है। आज विदितोष भगवान साक्षात वसुदेव जी प्रणाम कर रहे हैं। रूपम यत्तत् प्राहुर अव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपा। हे अध्यात्म दीप, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, देवकी जी प्रणाम करते हैं। कितना सुंदर प्रभु का रूप है, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माँ आज्ञा करें, बोले प्रभु आप तो विराट रूप धारण किए खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद, मैं तो आपको गोद में लेना चाहती हूँ। आप तो जैसे और माओं के लाल होते छोटे से बालकृष्ण बन जाइए ना, तो माँ की प्रार्थना को सुनकर के भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप छिपा लिया और छोटे से प्राकृतिक शिशु की तरह भगवान बालकृष्ण बन करके अपनी मैया की गोद में जाकर के विराजमान हो गए। लेकर के वसुदेव जी देवकी की गोद से भगवान को जब के भगवान ने यह आज्ञा दे देती कि मुझे गोकुल में छोड़ा है और वहां जो कन्या है उसे आप ले आए, तो लेकर के वसुदेव जी अपने सिर पर उस सुंदर पिटारी में बालकृष्ण को लेकर के जब दरवाजे पर आए, द्वार खुल गए कारागार के, और यमुना जी को अपने चरणों का चरणामृत देकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। क्या गाते हुए जा रहे हैं, आइए हम भी गोकुल की ओर। Thank you.
लोग 5-7 मिनट के लिए सब बैठ गए। गोकुल में छोड़ाए हैं और लाला को छोड़ाए, लाली को ले आए। जब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदस्वात नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आशीर्वाद दिया क्योंकि बाबा ने हमको रक्षा दी है। आयुष्मान भव, फिर कहा धनवान भव, फिर कहा पुत्रवान भव। जब पुत्रवान भव कहा ना, तो नंद बाबा बोले कि भैया अब तो मैं 60 वर्ष को है गए, अब मेरे को संतान की तो आशा ही नहीं है। तो ब्राह्मण बोले कि नंद अब तो हमारे मुख से आपको आशीर्वाद मिल ही गया है, अब तो आपके यहाँ लाला ही होगा। इतना कहकर के ब्राह्मण वहां से चले गए। माघ मास कृष्ण पक्ष एकम तिथि के दिन रात्रि में स्वप्न में नंद बाबा और यशोदा को दर्शन हुआ भगवान का और गर्भ धारण किया माँ यशोदा जी ने। माघ मास का ये प्रसंग, समय आगे बढ़ा, श्रावण का महीना, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आई, जिस दिन बहन अपने भैया को राखी बांधती है रक्षा बहन। तो उस दिन सभी ब्राह्मण फिर नंद बाबा के दरवाजे पर आए और आकर के उन्होंने नंद बाबा को राखी बांधी। नंद बाबा ने उनको दक्षिणा दी और आशीर्वाद दिया। फिर कहा पुत्रवान भव, जब पुत्रवान भव कहा तो बोले कि आपने पहले भी कहा था पुत्रवान भव और आज भी कह रहे पुत्रवान भव, और कहीं लाला की जगह लाली है तो कहाँ करोगे। बोले हम भी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण तो है नहीं, यदि आपके यहाँ लाली भी हो जाएगी तो उस लाली को भी हम लाला ही बना के बिठा देंगे। बोले अच्छा महाराज ये बताओ मेरे यहाँ लाला को जन्म लेने में भी कितना समय है। तो पंचांग खोल करके देखा और ब्राह्मण ने कहा कि आज से 8वें दिन अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आपके यहाँ लाला का जन्म हो रहा है। जो बताया ब्राह्मण तो चले गए दक्षिणा लेकर के। नंद बाबा ने सब तैयारी करी, अष्टमी तिथि आ गई, रात्रि के 8 बज गए लेकिन लाला को जन्म ही नहीं है। नंद बाबा से घर के नौकर चाकर बोले कि बाबा नाम तो आज को ही लिए हो ना, पर अभी तक लाला को जन्म नहीं है। बाबा अब तो हमें बहुत नींद आ रही है, अरे भैया तुम सो जाओ। तो रात के 8 बजे घर के नौकर चाकर सब अपने अपने कमरे में जाकर के सो गए। जब 2 घंटे का समय और आगे निकला तो नंद बाबा को भी नींद आई, अपनी बहन सुनंदा से बोले बहन नाम तो आज को ही लियो हो ना, और अभी तक लाला को जन्म नहीं हो। बहन अब तो मेरी भी आंखों में नींद आ रही है। बोले भैया मैं तो भाभी के पास हूँ ना, जब लाला को जन्म मिल जाएगा तो आएगा तो मैं आपकी बधाई दूंगी। तो रात के 10 बजे नंद बाबा भी उस दिन सो गए। अब 1 घंटे का समय और निकला तो लाला की बुआ की भी आंखों में नींद आने लगी। अपनी भाभी यशोदा के पास गई और जाकर के बोली भाभी भाभी नाम को आज को ही लिए हो और अभी तक लाला को जन्मना है। भाभी अब तो मेरी भी आंखों में नींद आ रही है, यदि तू कहे तो थोड़ी देर के लिए मैं सुनो। बोले हाँ बहन, जब लाला को जन्म है जाएगा तो मैं आ करके आपकी बधाई दूंगी, मैं आपको जगाई दूंगी। तो रात के 11 बजे लाला की बुआ भी सो गई। देखो सब लोग क्यों सो रहे हैं, क्योंकि पहले योग माया आ रही है, सबको सुला रही है, तब नींद नहीं आ रही। जब ठीक 12 पर सुई पहुंची तो लाला की मैया भी सो गई है।
देखो नंद और यशोदा भी पढ़ाने हैं, एक बार जोरदार ताली से नंद यशोदा करने का है। तुम पर सला गए और जो लाली है उसको ले गए। अब प्रभु मैया के पलंग पर सो रहे हैं, जो आंखें खोली प्रभु ने क्या देखो, मैया भी सो रही है, बुआ भी सो रही है, बाबा भी सो रहा है, रानी मैया भी सो रही है। भगवान बोले कि कैसी प्रवासी है कि घर में तो लाला का जन्म है और ये सब फराटे भर रहे हैं, कमाल है वो। अब इनको कैसे मैं ज्ञान कराऊं कि इनके लाला का जन्म है जो है। हाँ ऐसा करो, मैं मैया में कह दो, मैया में पैदा है ना, तो उठ जा। यदि मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैया कहेगी कि ऐसा लाला है, पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया। तो भगवान बोले कि मैं थोड़ा सा रोऊंगा। जब रोना शुरू किया तो भगवान पर रोना भी नहीं आता, क्योंकि जीवन भर में कभी रोए हों तब तो रोना आ गया, पर फिर भी रोने की थोड़ी जब एक्टिंग करने लगे तो भगवान के मुखारविंद से आवाज निकली, ओम बधाई है, बधाई है लाला को जन्म है। जो सुना हमारी भाभी की लाला भय है, दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास अथाई मर गई और बोली भैया उठो उठो, कहां भय है, बोले लाला भय है। जो सुना नंद बाबा गिरते पड़ते हुए सूत का ग्रह में आए, वस्त्रों में बालकृष्ण को ढक रखा था। यशोदा अपने लाला को दर्शन तो करा, बोले कराऊंगी पर जी बताओ कि मुख दिखाई में कहां जोगे, जैसे तेरे लाला होगा वैसा मुख दिखाई में दे देंगे। तो वस्त्रों में ढके हुए बाल कृष्ण लाल का दर्शन मैया ने कराया है। आप लोग दर्शन करें झांकी का, बोलो बाल कृष्ण लाल मोर पंख हटाई। नंद बाबा बोले मोर पंख किनारे के लिए, मोर पंख, मोर पंख, मन धन तीनों ही न्योछावर कर रहा हूं। उसी समय नाइन ने जाकर के गोपियों को खबर दी, गोपियां बधाई सुंदर श्रृंगार करके दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के द्वार की ओर आ रही हैं। और क्या गा रही है, आप सबको बधाई गानी है। अब देखो एक सूचना लेके आ जाओ, अब नंद उत्सव हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज आज लाला का जन्म हुआ है, अब तीन दिन यहाँ उत्सव मनाएंगे हम। क्या होगा तीन दिन, और कल 56 भोग की झांकी, सबको प्रसाद भी मिलेगा कल। और कल ये जो भाव है मेरा इस झांकी का भी आप दर्शन करेंगे, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे छोटो सो मेरो, तो कल ये भाव मेरे साथ गाएंगे, झांकी का दर्शन भी करेंगे और कल सबको 56 भोग का दर्शन प्रसाद भी मिलेगा और परिक्रमा भी लगाएंगे। तो अब तीन दिन यहाँ उत्सव ही होंगे, सबको सूचित करना। आओ हम सब बधाई देने के लिए लाला को चलें, दोनों हाथ उठा करके जरा ताली बजाते गाते हुए।
देगी। आप लोग सोच रहे से थोड़ा सा पीछे हो जाए, सभी सहयोग करें, हम सभी भारत भवन में आते हैं।